फाइनली दोस्तों, काफी टाइम वेट करने के बाद इंडिया में रेडमी नोट 12 सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। 5 जनवरी को ऑफिशियली रेडमी नोट 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। काफी टाइम से इंडिया लॉन्च के बारे में लीक निकल कर आ रही थी, अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। 3 स्मार्टफोन रेडमी नोट 12 सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। रेडमी नोट 12, नोट 12 प्रो, नोट 12 प्रो प्लस, तीनों स्मार्टफोन 5G हो गए और काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन और अच्छी प्राइस रेंज में इंडिया में देखने को मिलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। आज के वीडियो में Redmi Note 12 के बारे में बात करने वाले हैं। Redmi Note 12 Pro और Note 12 Pro Plus दोनों का ये फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो भी कल आने वाला है चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए Redmi Note 12 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले Redmi Note 12 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। रियर में ड्यूअल कैमरा सेटअप है, यूनिक कैमरा पैटर्न इस बार निकल कर आ रही है जो अभी देख सकते हो। प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम का सपोर्ट मिलेगा। फ्रंट में सेंटर पंच और सेल्फी कैमरा है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट होगा। ये थी डिजाइन लुक। अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और दोस्तों आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। सेंटर पंच और सेल्फी कैमरा होने वाला है और बेजल्स भी काफी पतले होने वाले हैं, तो ओवरऑल डे टू डे यूजेस और कॉन्टेंट वॉचिंग काफी बढ़िया तरीके से आप इसमें कर पाओगे। और 1200 नीट्स पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट होने वाला है। डिस्प्ले ओवरऑल बढ़िया है। और दोस्तों इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 चिपसेट देखने को मिलेगा जो 6nm पर बेस है, 5G चिपसेट है, Adreno 619 GPU के साथ आता है, UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X RAM का भी सपोर्ट होगा। और दोस्तों इसमें 48 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा, 48 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेंटर पंच और सेल्फी होगी, रियर और फ्रंट दोनों से फुल एचडी वीडियो शूटिंग होगा। और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी होगी 33W वायर चार्जिंग के साथ। और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी का सपोर्ट होगा 33W फास्ट चार्जिंग के साथ, जिसमें USB Type-C पोर्ट का भी सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों लेटेस्ट MIUI 13 का सपोर्ट होगा जो एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड होने वाला है। और एक्स्ट्रा जो भी जरूर फीचर्स है जिसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस लॉक अनलॉक का सपोर्ट, ड्यूअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, ये सभी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्राइस रेंज और इंडिया लॉन्च के बारे में। इंडिया लॉन्च ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है 5 जनवरी को Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। Redmi Note 12 में 3 वेरिएंट्स हो गए ऐसा बताया जा रहा है। 4GB रैम, 128GB की स्टोरेज बेस वेरियंट होगा, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, दो हायर वेरियंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बेस वेरियंट की प्राइस अंडर 15,000 होगी ऐसा बताया जा रहा है। अराउंड 13,000 से 4GB रैम, 128GB की स्टोरेज की प्राइस स्टार्ट होगी। तो दोस्तों Redmi Note 12 सीरीज के लिए आप एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इनमें से आपको कौन सा फोन पसंद है, कौन सा आप लेना चाहोगे, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आ दोस्तों Redmi Note 12 Pro और Note 12 Pro Plus दोनों का फुल इंफॉर्मेशन वीडियो कल चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना जिससे मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और आ दोस्तों 3K कंप्लीट करने वाले चैनल पे बहुत ही जल्दी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना। तो इतना था आज के वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।